हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार BTSC की जो लेटेस्ट अपडेट है उस लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बताने वाला हूं। एंड जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ये जो मैटर है ऑलरेडी केस जो है कोर्ट में जा चुका है। एंड जो भी फाइनल डिसीजन लेना होगा वो कोर्ट का ही लेना होगा, डिपार्टमेंट नहीं ले सकती, क्योंकि जो है इसमें जो है कोर्ट में जो है ये केस चल रहा है। तो क्या अंतिम जो फैसला जो है कब तक आएगा, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। एंड बहुत सारे अपडेट्स आ रहे कोर्ट की तरफ से, तो ये अपडेट्स आप खुद भी चेक कर सकते हैं। आपको किसी वीडियो पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आप कैसे चेक कर पाएंगे वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा। बस ईजी स्टेप्स है, 3 से 4 स्टेप्स फॉलो करके आप जो है अपना डेली बेसिस पर जो है केस का अपडेट चेक कर पाएंगे। एंड इसका लास्ट डिसीजन कब आएगा ये भी पॉसिबिलिटी कब तक है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा मैटर क्या है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको मैटर पता ही होगा, लेकिन मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा। मैटर यह है कि जिन लोगों ने बिहार के अलावा अदर स्टेट से डिप्लोमा किया है उनको 40% आरक्षण देने के लिए ही ये केस किया गया है। एक्चुअली डिपार्टमेंट की तरफ से कहा यह गया था BTSC की तरफ से कि 40% आरक्षण हम उनको ही देंगे जो जिन्होंने बिहार से डिप्लोमा किया। अगर आपने बिहार आप बिहार से बिलोंग करते हो, बिहार के अलावा आप अदर स्टेट से आपने डिप्लोमा किया है, तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। इसी मैटर पर बहुत सारे लोगों ने मिलकर जो है कोर्ट में जो है केस फाइल किया था। एंड जिसका जो है डिसीजन अभी फाइनल आया नहीं है, बट तारीख पे तारीख मिल रही है, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये भी बताऊंगा कि कैसे आप चेक कर पाएंगे। तो फाइनली मैं आप लोग उस ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाना चाहूँगा एंड लेटेस्ट अपडेट जो आई है उस लेटेस्ट अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, लास्ट तक देखोगे तभी आप लोग को समझ में आ पाएगा, तभी आप लोग चेक भी कर पाओगे अपना लेटेस्ट अपडेट्स। केस अपडेट चेक करने के लिए सबसे पहले आपको पटना हाई कोर्ट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आना होगा एंड उसको ओपन करना होगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं पटना हाई कोर्ट जो .gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट पे, उस पर क्लिक करने के बाद जो है आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा होगा व्यू डेली केस लिस्ट विद न्यू फैसिलिटीज़ एंड पैरामीटर्स। तो उस पर क्या करना है आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप लोग को इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। एंड इस तरह का इंटरफेस शो होने के बाद जो है आप लोगों का जो यहाँ पे देख सकते हो सर्च करना होगा, सर्च करना होगा केस नंबर वाइज। आपको केस नंबर वाइज पे क्लिक करना होगा। जैसे ही केस नंबर वाइज पे क्लिक करोगे यहाँ पे आप लोगों को आपका सेलेक्ट करना होगा सेलेक्ट नेचर ऑफ केस। नेचर ऑफ केस सेलेक्ट में आपको जो है डालना जो है मैं आपको बताता हूँ क्या डालना है। आपको जो डालना है CWJC डालना है। एंड यहाँ पर आपको पता होगा इंटर केस नंबर क्या है, मैं आप लोगों को बताता हूँ 9887 केस नंबर है। तो आप लोगों को जो केस नंबर जो डालना है वो 9887 डालना है। 9887 डालने के बाद जो है आप लोगों को सबमिट करना होगा किस ईयर में केस फाइल किया गया था। तो 2019 में जो है ये केस फाइल किया गया था। उसके बाद जो है आप लोगों को सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे, सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे शो हो जाएगा। आप लोगों को सब चीज़ें आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे केस नंबर देख सकते हैं, नेम देख सकते हैं वीरेंद्र कुमार पासवान, एंड देख सकते हैं किसके खिलाफ डाला गया, द स्टेट ऑफ बिहार के अगेंस्ट जो है केस फाइल किया गया है। एंड फॉर एडमिशन के लिए देख सकते हैं प्रशांत सिन्हा जिसका नाम बउआ झा कहते हैं, ललित किशोर, AG निकेश कुमार। टाइमिंग देख सकते हैं 10:00 जो है 10:30 का टाइमिंग था। एंड कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया था 3 जुलाई के लिए। हम लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में जानेंगे कि लेटेस्ट क्या अपडेट स्टेटस है इस केस का। तो लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको एक तरह का जो है इंटरफेस शो हो जाएगा, लेटेस्ट पेज शो हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो शो होने के बाद जो है आप केस नंबर देख सकते हो, सब्जेक्ट देख सकते हो, किस डिस्ट्रिक्ट में डाला गया है वो देख सकते हो, सब यहाँ पे फुल मेंशन किया हुआ है। एंड यहाँ पे जो है डेट ऑफ फिलिंग जो है 15 अप्रैल को जो है केस फाइल किया गया था। रजिस्ट्रेशन डेट देख सकते हो 30 अप्रैल है। लोअर कोर्ट के डिटेल्स दिया हुआ है। एंड रिस्पोंडेंट एडवोकेट जो है वो ललित जी हैं, उनका नाम देख सकते हो। प्रेजेंट अटेस्टेड जो है पेंडिंग है। एंड एक्शन डेट जो है वो भी देख सकते हो 3 जुलाई है। एंड इसका जो लेटेस्ट अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट देख सकते हो, अब जो सुनवाई होने वाली है वो जो सुनवाई होने वाली 8 तारीख को सुनवाई होने वाली है, 8 जुलाई को। एंड यहाँ पे वो सुनवाई कौन करेंगे ये भी देख सकते हो, मिस्टर जस्टिस ज्योति रंजन जो है वो सुनवाई करेंगे इस केस की। तो एक लेटेस्ट अपडेट है, एक तरीका मैंने आपको बताया जिसमें की मदद से आप खुद भी चेक कर सकते हो। बार बार किसी वीडियोज़ पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी टाइम मिले 2 से 3 मिनट में आप स्टेटस चेक कर सकते हो डेली वाइज अपने केस का। तो लास्ट स्टेटस जो है आपको जो चेक करना है, अब लेटेस्ट अपडेट के लिए आपको 8 तारीख का वेट करना होगा। जो 8 तारीख को जो है आप चेक कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट जो भी होगा। मेरे ख्याल से डिसीजन तो आ जाना चाहिए इसी मंथ, बट थोड़ा सा डिले हो रहा है, बट कोई इशू नहीं है, डिले हो रहा है, बट इसकी भी जो है
जो लास्ट जो है मेरे ख्याल से इस मंथ में आई जानी चाहिए डिसीजन। और आपको क्या लगता है कि ये जो फैसला है ये कब तक चलने वाला है, ज़्यादा लंबा नहीं चलने वाला, जो भी है आप जो भी कहना चाह रहे हैं इस केस के बारे में तो आप अपनी राय जरूर बताएं कि फाइनल रिजल्ट आ भी सकता है या नहीं, या यूं ही केस चलता रहेगा, तारीख पे तारीख मिलती रहेगी। मुझे तो थोड़ा डाउट भी होता है, फिर भी उम्मीद है कि इस मंथ के लास्ट तक मे बी आ जाए रिजल्ट फाइनल, जो भी फैसला है वो कोर्ट की तरफ से आ जाए। अगर ऐसा जो भी आपको लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, एंड वीडियो कैसा लगा वो भी बताएं। सबसे ज़रूरी आपकी राय होती है तो राय अपनी जरूर बताइएगा। हाँ, एक चीज़ और आपसे शेयर करनी है कि आप लोग वीडियोस तो देखते हो बट वीडियोस को लाइक नहीं करते, तो वीडियोस को लाइक जरूर करना। इससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए और भी इस तरह के वीडियोस बनाता रहूँ। तो सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर किसी नई वीडियो में मिलता हूँ लेकिन लेटेस्ट अपडेट के साथ। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें, धन्यवाद।